इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाकयात में बहुत इजाफा हुआ है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि दुनिया में कई ममालिक, ख़ास तौर पे जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी और नाम नहाद इंसानी हकूक के अलमबरदार जो ममालिक हैं उनका भी शुमार होता है, उसमें मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगने लगाई जा रही हैं। उसके अलावा रिपोर्ट में अमरीका और चीन, इन दोनों पर शदीद तनकीद की गई है कि इन दोनों मुल्कों में रियासती सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि दुनिया भर में हुकूमतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाजी कवानीन बन रहे हैं उनके खात्मे के लिए कोशिशें करें, इकदामात करें। अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हिलाली साहब, यूरोप में हर 10 में से 4 जो यूरोपी अफराद हैं वो मुसलमानों के बारे में अपने अच्छे तासुरात, अच्छे ख्यालात नहीं रखते। ठीक। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग, पूरी दुनिया में इसका एक अपना मुकाम है, उनके मुताबिक अमेरिका में 60% मुसलमानों को, यानी जो इंसानी हकूक का चैम्पियन बनता है अमरीका, उस अमरीका में 60% मुसलमानों को तासुब का निशाना बनना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये तो है अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट और उसके बाद आपको बताया कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। अब कनाडा की इस बात पे आ जाते हैं। कनाडा में ये कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ। आपको सुन के हैरत होगी कि खुद कैनेडियन पुलिस के इदादोशुमार के मुताबिक, कैनेडियन पुलिस के मुताबिक 2019 में उस मुल्क में एक साल के दौरान 946 नफ़रत अंगेज़ जराइम, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जराइम जो हैं उसकी इतला दी गई है। यानी आप ये हिसाब लगा लें कि एक साल के दौरान मज़हब को निशाना बनाने वाले जो लोग हैं उसमें अगर आप 2018 से उनका मुकाबला करें, 2018 और 19 का, उसमें 10% इजाफा है। यानी अगर आप ये समझें कि हर साल उसमें 10% या इससे ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पे वेस्ट में इस हवाले से क्या है। क्या? हाँ जी, चलिए, ये तो आपने सिचुएशन बता दी। इस पर आगे आपसे मैं दोबारा भी बात करती हूँ कि आखिर इसको रोका कैसे जा सकता है। लेकिन इलाज साहब, सिचुएशन तो इंतहाई ख़राब है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका कि इस तरह से ये नफ़रत जो है मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट बढ़ रही है? कमाल है, इसमें कोई डाउट हो सकता है, शुबा हो सकता है? ये सब वेस्ट पे है, ये सब ज़्यादातर गोरों पे हैं, ये चीनियों के फ़िलहाल अलग रखें इसलिए कि इनका तो कुछ और मामला है। ये सब बिल्कुल 100%। अब आप सोचिए तो सही, इन्होंने कौन से मसले हैं इस वक्त, दो मसले हैं दुनिया में इस वक्त जो जिधर से इस्लामोफोबिया जड़ लेके स्प्रेड किया है, एक है फलस्तीन और दूसरा है कश्मीर। इन दोनों मसले का जड़ क्या था? ब्रिटिश, इन्होंने क्रिएट किया। और आज इन दोनों मसले के स्पॉइलर कंट्रीज जो हैं, जो लोग उनसे बैटन लेके अब इसके खिलाफ भाग रहे हैं, वो कौन से मुल्क हैं? हिंदुस्तान और इजराइल। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वेस्ट, अमेरिका और G7 कंट्रीज। कौन से मुल्क हैं जिधर फैशिस्ट, रेशिस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज बनके इस वक्त पावर में है? हिंदुस्तान, इजराइल, लिक्विड और BJP, जाना संघ, RSS। अब आप कौन से मुल्कों ने, कौन सी सोसाइटीज ने हेट को, नफरत को वेपनाइज किया है? वेस्ट। उनको पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल टूल कौन बनाया है? वेस्ट, इंडिया, इजराइल। तो मैं एक और चीज फाइनली मैं इस पे ये कहूंगा आपको, आप यकीन कर नहीं कर सकेंगी मगर मैं आपको बता रहा हूं, आज यूनाइटेड नेशंस में अगर आप जाके डिबेट करना चाहते हैं
कश्मीर के मामले में या फलस्तीन के मामले में, खासतौर कश्मीर के मामले में, इस वक्त आपको पता है आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर मान भी गई कि डिबेट करेगी, वो कहेगी क्लोज डिबेट होना चाहिए, सीक्रेट डिस्कशंस होना चाहिए, इसलिए कि हम जो पैदा हम जो प्रोड्यूस करेंगे सबूत कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसके हम फैलाना नहीं चाहते। वाह, आप स्टेट टेरर को एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। तो हम अब आप देखिए, ये बड़ा अच्छा कहा था इमरान याकूब ने कि किधर फैला है और क्यों, हम अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आप वो मुल्कों के पास जाना चाहते हैं जो खुद इसको क्रिएट किया है और स्प्रेड किया है, और उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि रोको, वो रोक नहीं सकते, उनके खून में नहीं है रोकने का। अच्छा, असल में हिलाली साहब इसमें, लेकिन अब ये भी जो इमरान साहब ने जो रिपोर्ट्स बताई हैं, इमरान साहब जो आपने रिपोर्ट्स बताई हैं और जिनका हमने अभी जिक्र भी किया, जिन लोगों से बात भी हो रही है, और जैसे हमने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को देखा था वो कितनी कंसर्न थी, और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, उन्होंने तो टेररिस्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया इनके लिए, तो फिर इदराक भी तो हो रहा है इन्हीं कंट्रीज़ में, तो ये क्या इनकी हम क्या कहें मुनाफिकत है? देखें, दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो पहले मैं हिलाली साहब ने जो अभी कहा वज़ीर आज़म के हवाले से, तो वो मुझे मीर का एक शेर याद आ गया कि मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई, आप जिनसे मदद लेना चाहते हैं वही तो जर हैं, वही तो कॉज हैं, वही तो ये कर रहे हैं। और मैं आपसे एक और अगली बात करूं, इसराइल इस वक्त यहूदी लॉबी को, लोग तो कहते हैं ना यहूदी लॉबी इसराइल को चलाती है, इसको ज़रा उलट कर लें, इसराइल यहूदी लॉबी को चलाता है। वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि यहूदी लॉबी को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ जहाँ उसका असर है उस असर को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है पूरी दुनिया में कि उनके खिलाफ इस तरह से हों और ये खौफजदा हो जाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। ये बाकायदा मुनज्जम तौर पर हो रहा है, इसमें यहूदी लॉबी इतनी फंडिंग कर रही है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन भी है, आपने कहा कि जी उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कहना है, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसी से बात करके उसको रोकेंगे ना? अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे इस मामले पे, उन्हें रियलाइज ही नहीं कराएंगे कि ये कितना खतरनाक खेल वो खेल रहे हैं, तो फिर कैसे रियलाइज कराना अलग बात है, उनसे मदद लेना अलग बात है। अगर आप इस पे भी आप उनसे सिर्फ ये कहेंगे ना मारेंगे हमें, आप मदद आपकी चाहिए, वो आपको और मारेंगे, आपकी मदद नहीं। लेकिन अगर आप उनको ये रियलाइज कराएंगे कि बच्चों हम ये काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट वाला मामला है, तो फिर उनको वो भी करवाने के लिए तो वो बातचीत करना चाह रहे हैं ना इस्लामिक मुमालिक से भी। लेकिन इलाही साहब अपना पॉइंट दे दें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। जी देखिए, कि सबसे फेमस, सबसे जबरदस्त यहूदी माने जिसने साइंस को कंट्रीब्यूशन यूनिक है, आज तक अनपैरेलल्ड है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया इस दुनिया को, एक यहूदी, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी, आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजराइल के तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप ये वीडियो छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दूँ, बात हो रही थी कनाडा में, हाल ही में मतलब 5-6 दिन पहले एक वाक्या हुआ जिसमें पाकिस्तान के एक परिवार के 5 लोग मारे गए, और वो कनाडा का एक यूथ था जिसको मतलब कुछ खुन्नस रही होगी, अब वजह तो यही बताई जा रही है कि वो इस्लाम से मतलब नफरत करता था, इस वजह से उसने मार दिया इनको। तो उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन पाकिस्तान का बहुत अजीब अजीब तरीके के रिएक्शन आए, कहीं इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया तो कहीं इन्होंने यहूदियों को टारगेट किया। अब बेसिकली ये सीधा सीधा मतलब अपनी गलती, मतलब जो इन्होंने पास्ट में की होंगी या जो किसी और ने की होगी और किसी और को मिल रही है सज़ा, उनकी बात इन्होंने कहीं पर भी नहीं की, इन्होंने ज़्यादातर टारगेट ही किया, इन्होंने सीधा सीधा मतलब इस तरीके की बातें की। जैद हामिद का तो एक वीडियो आया था, तो उसने बोला था कि दारुल इस्लाम और दारुल कुफ्र, मतलब दारुल इस्लाम जो इस्लामिक देश है वहाँ से अगर तुम बाहर जाओगे दारुल कुफ्र में तो तुम्हारी यही हालत होगी, तुम क्यों जाते हो दारुल कुफ्र। तो मतलब इस तरीके की बात है, अब कोई पाकिस्तानी अगर कनाडा जा रहा है तो क्यों जाता है वो, भाई अच्छे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, तो इस तरीके के फैक्ट आए।
और बहुत सारी मतलब अजीब अजीब सी बातें हुई। जैसे इसी वीडियो में आपने देखा कि ज़फ़र हिलाली कह रहा है कि यहूदी और जो है हिंदू उनकी वजह से मतलब जो इस्लामोफोबिया है वो सारी दुनिया में फैल रहा है। अब सोचें दोस्तों, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, मतलब यहूदी और हिंदू जिम्मेदार हैं इस्लामोफोबिया के पूरी दुनिया में। यानी इन्होंने सीधा सीधा अपनी गलतियों को बिल्कुल भी जीरो कर दिया। इनके घर में उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है पाकिस्तानियों के एबटाबाद में, तो इन्हें लगता है कि भाई वो हिंदू और यहूदियों की वजह से है। जो 9/11 होता है, जो तालिबान यानी वही जो उसामा बिन लादेन करवाता है, वो हिंदू और यहूदियों की वजह से होता है। मतलब एक बार भी इन्होंने कुछ इस तरीके की बात ही नहीं की कि मतलब क्या रीज़न है है ना। अब टर्की में एक बहुत पुरानी जो क्या कहते हैं वो थी, चर्च थी, उसको ज़बरदस्ती अभी उसमें जाकर वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान वो मस्जिद में कन्वर्ट करता है और पढ़ता है, तो ये हिंदू यहूदी कहलाते। भाई वो भी उनका भी रिएक्शन आएगा कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, उस बात को लेकर ये बहुत खुश होते हैं। अगर कहीं मतलब काफिर मरे तो ये बड़े बड़े खुश होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। हालांकि वो परिवार को मेरी भी श्रद्धांजलि है, बहुत गलत तरीके से मारे गए उनको। मतलब उनका तो सीरियसली उनका एक छोटा सा बस बच्चा बस बचा है, तो वो तो बेचारे मारे ही गलत गए। लेकिन उनका मतलब जो डेथ है उसको लेकर आप सीधा सीधा हिंदू यहूदी ये वो फलाना ठिकाना ये इस तरीके की बातें करोगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप ये कह सकते हो कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसमें आप अपनी भी गलतियां बताओ जिस वजह से आप ये चीज़ें भुगत रहे हो। अगर वो आप नहीं बताओगे तो फिर आप डेफिनेटली इसी तरीके की चीज़ें भुगतते रहोगे। तो दोस्तों ये